इन्वेस्को और जी लिमिटेड के बीच शुरू हुआ विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है। जी कंपनी के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने जी न्यूज चैनल पर प्रसारित एक शो के दौरान अमेरिकी कंपनी इन्वेस्को को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि वह जी संस्थान की एक शेयर होल्डर है, ना कि मालिक। PFI पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी आखिर जी और इन्वेस्को का विवाद क्या है और अब सुभाष चंद्रा ने इन्वेस्को को क्या चेतावनी दी है। सुभाष चंद्रा ने अमेरिकी कंपनी को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वो लड़ाई का रास्ता छोड़ दे और अगर वो लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है तो वह लड़ने के लिए भी तैयार है। सुभाष चंद्रा ने कहा कि वो इन्वेस्को से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिकार करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ वित्तीय लाभ होगा, इसलिए क्योंकि मैं संतुष्ट महसूस करूंगा कि मैं जी के 90 करोड़ दर्शकों के साथ ईमानदार हूँ। जी टीवी की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्रा ने आगे कहा, मैं इन्वेस्को से मालिक की तरह नहीं बल्कि एक शेयर धारक की तरह व्यवहार करने का आग्रह करता हूं। सुभाष चंद्रा की टिप्पणी तब सामने आई है जब जी सोनी समूह की भारतीय इकाई के साथ विलय की तैयारी कर रहा है। 1992 में स्थापित जी लिमिटेड में वर्तमान समय में इन्वेस्को 18% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जबकि संस्थापक सुभाष चंद्रा के पास कंपनी में 3.99% की हिस्सेदारी है। इन्वेस्को ने हाल ही में जी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बोर्ड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए कहा था। इन्वेस्को इस मीटिंग में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ ही सुभाष चंद्रा के पुत्र पुनीत गोयनका को बोर्ड से बाहर करना चाहती थी, जिससे सुभाष चंद्रा का कंपनी पर से प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाए। सुभाष चंद्रा का प्रयास है कि भारत के सबसे प्रमुख मीडिया संस्थानों और एंटरटेनमेंट कंपनी में से एक जी का मालिकाना हक किसी विदेशी कंपनी के हाथ में ना जाए। इन्वेस्को द्वारा जील के अधिग्रहण के विरुद्ध जी ने सोनी के साथ विलय की योजना पर काम शुरू कर दिया था। जी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इन्वेस्को के अधिग्रहण से बचने के लिए सोनी एंटरटेनमेंट को कंपनी की 53% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। इससे इन्वेस्को बिदक गया। इन्वेस्को ने जी एंटरटेनमेंट के निदेशक पुनीत गोयनका समेत 2 अन्य निदेशकों को हटाने और 6 नए निदेशकों की नियुक्ति के साथ बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की है। इन्वेस्को के दबाव के कारण मनीष चौखानी और अशोक कुरियन ने 13 सितंबर को इस्तीफा भी दे दिया था। ये दोनों नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे। इन्वेस्को द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बुलाने का उद्देश्य ही था कि वो बोर्ड में अपने सदस्यों को नामित करवा सके और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सहित जी के CEO पुनीत गोयनका को हटा सके, जबकि ऐसा कोई भी बदलाव एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। कैसे भी ऐसे किसी भी बदलाव के लिए नियमानुसार मताधिकार वाले हिस्सेदारों के 75% मत की आवश्यकता होती है, जबकि इन्वेस्को चाहता था कि वह गुप्त तरीके से कंपनी पर अधिग्रहण कर ले। इन्वेस्को नहीं चाहता है कि चंद्रा सोनी एंटरटेनमेंट के साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का विलय करें। हालांकि चंद्रा ने अमेरिकी कंपनी इन्वेस्को को खुली चुनौती दी है कि वह सोनी एंटरटेनमेंट से अच्छा प्रस्ताव सबके सामने रखे, जिसके बाद नियमपूर्वक वह कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है। साथ ही चंद्रा ने भारतीय जांच एजेंसियों से अनुरोध किया है कि वह इस मामले पर संज्ञान ले, जिसे भारत के सबसे बड़े मीडिया संस्थान में से एक जी लिमिटेड को विदेशी हाथों में जाने से बचाया जा सके। इन्वेस्को द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के तरीके इसलिए भी संदेहास्पद है क्योंकि सुभाष चंद्रा ने इन्वेस्को पर यह आरोप लगाया है कि यह अमेरिकी कंपनी चीन के इशारे पर काम कर रही है। एक तथ्य तो यह भी है कि इन्वेस्को में चीनी निवेशकों का पैसा बड़ी मात्रा में लगा है। ऐसे में भारत सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बता दें कि जी को हथियाने के प्रयास 1994 में भी हुए थे। तब सुभाष चंद्रा ने 1994 में एक विदेशी कंपनी द्वारा $500 मिलियन में जी नेटवर्क खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि इंडिया इज नॉट फॉर सेल। बता दें कि इन्वेस्को जी का काफी पुराना इन्वेस्टर है और अचानक आए इस बदलाव पर चंद्रा ने कहा, इन्वेस्को में कोई ऐसा है जो गलत कार्य कर रहा है? यह वह इन्वेस्को नहीं है जो एक समय हुआ करता था। हो सकता है कि इसमें कोई चीनी हस्तक्षेप हो। मैंने कानूनी सलाहकारों से बात की है, उन्होंने मुझे बताया है कि इन्वेस्को जो कर रहा है वो गैर कानूनी है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्को इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि गैर कानूनी लेन देन में भी संलिप्त हो। इस दौरान उन्होंने सेबी को भी इस मामले में सामने आने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम नियमों के तहत इन्वेस्को को कंपनी सौंप दे, परंतु ये भारतीय नियमों का पालन करने की बजाय टेक ओवर के लिए तुरंत डायरेक्टर बदलने की बात कर रहा है, जो कि वैध नहीं है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन का हिस्सा है।
चंद्रा का शुरू से मानना है कि भारत के पास उसका एक विश्व स्तरीय मीडिया संस्थान होना चाहिए। अपने टीवी साक्षात्कार में भी उन्होंने यह बात दोहराई, जी के मालिक ना तो वो है ना इन्वेस्को है, जी के असली मालिक 2.5 लाख शेयर होल्डर्स है और 90 करोड़ दर्शक है। वास्तव में इन्वेस्को द्वारा जिस तरह से जी पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं उससे संदेह तो होना तय है, और चंद्रा इस मामले को लेकर लगातार अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इन्वेस्को की जीत होती है या जी की।